नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है 4 जनवरी है और MPPSC ने दोस्तों एक परीक्षा आयोजित हुई थी, उसका बहुत जल्द ही जो है रिजल्ट जारी कर दिया है। 15 दिन में दोस्तों रिजल्ट जारी कर दिया है। आइए दोस्तों देखते हैं वो परीक्षा कौन सी थी और कितने क्या कट ऑफ जो है रहे हैं। तो दोस्तों ये परीक्षा थी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यानी कि दोस्तों ADPO वाली ये परीक्षा थी। इसका एग्जाम दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले 18 दिसंबर को जो है हुआ था। 18 दिसंबर को रविवार के दिन दोस्तों इसका पेपर हुआ था और आज दोस्तों 4 दिसंबर को इसका रिजल्ट जो है जारी कर दिया है। इसमें दोस्तों जो टोटल पद थे 256 जो है पद थे, टोटल 256 पद हैं दोस्तों इसमें, जिसमें जनरल के 70, SC के 42, ST के 50, EWS के 25 और दोस्तों इसमें OBC के जो है 69 वैकेंसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अब इसमें जो है इंटरव्यू होगा। इसमें तो दोस्तों कुल टोटल स्टूडेंट जो है सिलेक्ट किए गए हैं, अनरिजर्व के 223, SC के 129, ST के 151, OBC के 122, EWS के 79, टोटल 704 जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। वहीं दोस्तों दिव्यांगजन के जो है 20 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। और फ्रेंड्स ये प्रथम पार्ट है, ये दोस्तों रोल नंबर दिए हैं उन स्टूडेंट के जो क्वालिफाई हुए हैं, जो इंटरव्यू देने वाले हैं। तो दोस्तों MPPSC ने बहुत जल्द ही 15 दिन में जो है रिजल्ट जारी किया है। तो और मैं आपको बता दूं अभी कट ऑफ जारी नहीं किया गया है, जब इंटरव्यू हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उस टाइम पर कट ऑफ जारी किया जाएगा। और दोस्तों ये सेकेंड पार्ट की लिस्ट है जिसमें दोस्तों 99 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से 100, इस प्रकार कुल टोटल 199 स्टूडेंट जो है क्वालिफाई हुए हैं। ये उन कैंडिडेटों की लिस्ट है। तो